फल तो बात पर गुस्सा आना शराफत की अलामत है, लेकिन इस गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। जब तुम दूसरों का दुख मिटाने लग जाओगे तो तुम्हारा दर्द अल्लाह मिटा देगा। शिकवे शिकायत की दर्द लग जाए तो नाशुक्री जबान की जिल्लत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसकून ही रहता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखे। सबर और कदर किसी के पास की बात नहीं होती, ये बात वही लोग कर सकते हैं जो आला ज़ुर्फ के होंगे। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जबान से, दिल से नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी हो। मोहब्बत में औरत से कोई जीत नहीं सकता और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सकता। सुबह की हकीकी खुशी इस शख्स को नसीब होती है जो सुबह का इस्तकबाल नमाज तलावत और ज़िक्र अल्लाह से करता है। बढ़ती नहीं इज्जत खुद बढ़ाने से साहिब, ये अता है खुदा की जिसे चाहे नवाज देता है। किसी की अच्छाई का इतना फायदा ना उठाओ क्या उसे खुद अपनी अच्छाई से नफरत हो जाए। झूठ बोलूं तो जमीर मर जाता है, सच बोलूं तो लोग मार देते हैं। कितने भी परफ्यूम लगा लो तुम, लेकिन जो खुशबू माँ के दुपट्टे से आती है उसकी बात ही कुछ और है। दुनिया में माँ बाप के प्यार से कीमती कोई दौलत नहीं। औरत के करतार की मर्द को कितनी फिक्र होती है, इतनी फिक्र मर्द अगर अपने करतार की करे तो औरतें बद करतार कहलाने से बच जाएं। इंसान जो चाहे वो करने से कासिर है, जबकि अल्लाह जो चाहे करने पर कादर है। फिर भी हम कादर को छोड़कर कासिर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। रात की तन्हाई में खामोशी से जब दुआ मांगो तो लगता है अल्लाह सिर्फ मेरा है। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत वालिदैन है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। हर चीज किस्मत से ही नहीं मिलती, कुछ चीजें दुआ से भी मिला करती हैं। अगर लोग तुमसे मुतासर हो रहे हैं तो कब्र मत करना, क्योंकि शुक्र है खुदा का कि इसने तुम्हारे आईब छुपा कर तुमको लोगों में मौजूद बना रखा है। अंधेरे में किए गए सजदे दिल की बस्ती को रोशन बना देते हैं।